रिसेंटली रिलीज हुआ कैरी मिनाटी का ये गाना जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सीधा सीधा जवाब है टिकटॉकर्स के लिए, नहीं सीधा सीधा यूट्यूब के लिए। यूट्यूब ने कैरी मिनाटी का एक वीडियो था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला था, आप सबने भी देखा होगा, जिसमें आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया था कैरी मिनाटी ने। यूट्यूब ने वो वीडियो गाइडलाइन का हवाला देकर डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि कैरी मिनाटी का पहला विक्टिम है जिसके वीडियो को डिलीट किया गया है? नहीं, इससे पहले भी न जाने कितने इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस को गाइडलाइन बोल करके डिलीट कर दिया जाता है। और ये चीज़ क्यों की जाती है? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे गाइडलाइन उन लोगों के लिए जो कंटेंट बनाना जानते हैं या कंटेंट अपने ऑडियंस को देना जानते हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो XXX उल्टे सीधे कंटेंट, न जाने कितनी वाहियात चीज़ आप सर्च करोगे, सब मिल जाएगा आपको। एज रिस्ट्रिक्शन करके चाहे मिल जाए, लेकिन उस पर एज रिस्ट्रिक्शन कितना बेकार है, कोई भी देख सकता है उन वीडियोज़ को। उन पर गाइडलाइन क्यों नहीं आती, उनका डॉलर येलो क्यों नहीं होता, उन वीडियोज़ को टेक डाउन क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ और सिर्फ कैरी मिनाटी के वीडियो को ही डिलीट क्यों किया गया, ये हम सबका सवाल है। साथ ही साथ उसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं है, कैरी मिनाटी ने उसका जवाब खुद से दे दिया अपने इस गाने में। कैरी मिनाटी का ये गाना सीधा सीधा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने यूट्यूब की घटिया गाइडलाइंस बनाई, जो एक के वीडियो को डिलीट कर देती हैं और दूसरे के वीडियो को, सेम वीडियो को प्रमोट कर देती हैं। आप कंटेंट सर्च करो, इस तरीके का बहुत कंटेंट मिल जाएगा। अंग्रेजों के वीडियोज़ हैं बहुत सारे जो गाली गलौज करते हैं। इंग्लिश में गाली बकना सही है, हिंदी में कोई गाली बक दे तो सही नहीं है। कितने सारे वीडियोज़ हैं ऐसे। तो हमें चाहिए कि अपने ही यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, साथ ही साथ मुझे भी आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वैसे ही मिलते रहेंगे नई वीडियोज़ में।